Hi guys, I'm Ruma Sharma. आज मैं आई हूँ सेलिब्रिटी टुडे विद बायोस्कोप और आज आपको मेरे बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी. Hi Ruma. Hi. Ruma, आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सेंसेशन है और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. आप एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, आपने बहुत सारे अपीयरेंसेस किए हैं. बट यस, ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आपके फॉलोअर्स जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि बिहाइंड द कैमरा रूमा शर्मा कैसी है. तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा अपने फॉलोअर्स को बताइए कि आप कहाँ पे बॉर्न हुई हैं और आपकी हॉबीज क्या है, इंस्पिरेशंस क्या है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मैं दिल्ली से हूँ. बट 4 साल हो गए मुझे बॉम्बे में शिफ्ट हुए अपनी मॉम के साथ. एंड माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट, सो मेरे डैड हैं बट मॉम डैड शुरू से यू नो दे गॉट डिवोर्स्ड. एंड मेरी मॉम ने मुझे अकेले यू नो इंडिपेंडेंटली मुझे बड़ा किया है, मुझे अच्छी एजुकेशन दी है, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करने की इंस्पिरेशन मुझे मॉम से ही आई है. सो यू नो मुझे बचपन में डॉक्टर बनना था बट माई मॉम इज़ लाइक नहीं, उनको मुझे बड़े स्क्रीन में देखना था. एंड द मोस्ट फनी पार्ट कि मॉम ने आज तक कोई मूवी नहीं देखी है बिकॉज शी वॉन्ट मी टू यू नो सी ऑन बिग स्क्रीन फर्स्ट. और उसके बाद मॉम इज़ लाइक ठीक है, अभी मेरा हो गया तो मैं अब मूवीज़ देखूँगी. सो दैट इज़ हर ओन यू नो हर ड्रीम विच आई एम ट्राइंग टू फुलफिल बिकॉज आई थिंक हर माँ बाप अपना यू नो ड्रीम बच्चों पे ही देखते हैं. तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि मैं अपनी मॉम का सपना पूरा कर सकूँ एंड विच आई एम ट्राइंग हार्ड टू डू इट. बस यही सब है. तो जनरली आज तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ रूमा, वो बोलते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहती थी लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ. और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पूरा केस बहुत उल्टा हो गया है. मैं जब स्कूल में थी तो मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है. सो लाइक नहीं नहीं आई विल बी द डॉक्टर यार, मुझे डॉक्टर शॉक्टर बनना है. बट मॉम इज लाइक, मॉम ने लिटरली मुझे थप्पड़ मार के एनएसडी करवाया था. तो जितने भी एक्टर्स हैं उनको पता होगा कि एनएसडी क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है. एंड वहाँ से ओमपुरी जी, नसरुद्दीन शाह, संजय मिश्रा जी, काफ़ी लोग वहाँ से निकले हैं. तो उस समय मुझे ऐसा होता था यार क्या मतलब क्या करवा रही है मॉम. और मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी दिल्ली में, तो मैंने काफ़ी शोज करे DD1 के लिए. BBC का एक शो आता था जासूस विजय जिसमें ओमपुरी जी एंकर थे. सो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देयर. तो मुझे ऐसा होता है यार बचपन में मम्मा क्या करवा रहे हो यार. बट लेटर ऑन जब यू नो 10th 12th में आने लगी एंड मुझे ऐसा रियलाइज हुआ यार मैं इतनी सारी पढ़ाई तो नहीं कर सकती. आई हैव समथिंग इन मी जो क्रिएटिवली मुझे करना है. एंड लकीली मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट ही उसके लिए किया था. तो ऑफकोर्स आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मॉम ने मुझे उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि नो एक्टर बनो. यूजली सबके पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि सबके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते बनो और फिर लोग एक्टर बनना चाहते हैं. ऑफकोर्स मेरे घर वालों में लाइक मॉम की साइड से नानू जी, मासी एंड ऑल, वो लोग उतना नहीं थे कि यार अच्छी जॉब कर ले बिकॉज मेरे सारी फैमिली गवर्नमेंट बैकग्राउंड से. मेरे मौसा जी CBI ऑफिसर हैं, मेरी मासी लॉयर रह चुकी है, मेरे नाना जी भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे. बट एवरीवन वाज लाइक यार क्यों करना यार ये सब क्या है. और आपने कभी नहीं सोचा कि आपको ऐसे ही कहीं गवर्नमेंट जॉब में या ऐसे कहीं जाना है? नहीं, लाइक डॉक्टर का था. बट उसके बाद जैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती गई, बड़ी होती गई, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मॉम ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया तो वाई नॉट यू नो अब मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट मैं उनका वो सपना तो पूरा करूँ. अब इतना नहीं कर सकूंगी तो फिर क्या होगा लाइफ में. आई थिंक शी इज़ द इंस्पिरेशन या रीज़न है जो भी आप आज हैं इसके लिए. रूमा, वन मोर थिंग, व्हाट इज़ द फैशन सेंस फॉर यू? अगर आप, मैं देखती हूँ कि आप बहुत सारे फिटनेस वीडियोज़ डालती हैं, आप बहुत सारे फिटनेस के रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट करती रहती हैं, तो व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ हैविंग अ हेल्दी रूटीन? आप सुबह कितने बजे उठती हैं, क्या ब्रेकफास्ट करती हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ प्रोटीन फॉर यू? तो आप हेल्दी डाइट कैसे मेंटेन कर पाती हैं इतने बिजी शेड्यूल में? सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव इन डाइटिंग. मतलब जो लोग सोचते हैं अरे यू नो ये खाना खाने से मोटिव हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आई रियली डोंट बिलीव इन दैट. लाइक यार आई बिलीव लाइफ में ना हम एक ही बार मतलब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये सब छोड़ देना, टेस्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज यू नो आप मोटे हो जाओगे, ये सब दिमाग से निकाल दो. मैं तो लाइक मेरी मॉम जब भी पराठा बनाती है घर पे, मैं तो मस्त मक्खन डाल के उसको खाते बिकॉज आई लव यू नो बटर एंड घी. आप इसलिए भी नहीं सोचते क्योंकि आपकी मॉम बहुत ज़्यादा, माई मॉम इज़ वेरी स्लिम ट्रिम या तो वो जेनेटिकली मुझे एक ब्लेस हूँ कि मुझे वैसा ही मिला है. बट ऑफकोर्स आई डू बिलीव इन हेल्दी डाइट कि अगर हमने एक दिन जंक फूड खा लिया है, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है, तो एक दिन यू नो फ्रूट्स डाइट कर लो. बट नो डाइटिंग कि हाँ पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाओ या फिर पानी में ही जिंदा रहो या जूस पे जिंदा रहो, आई डोंट बिलीव इन दैट. और आप कितने बजे सो जाती होगी?
यार बॉम्बे में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बहुत जल्दी सो जाओ, बिकॉज हमारी रूटीन अभी ऐसा हो गया कि कभी हमें शूट्स पे डे नाइट काम करना पड़ता है. सो आई थिंक आई ट्राई टू स्लीप बाय 12, 1, बट वो होते होते 1:30 हो ही जाता है. सो आई वोंट लाई ऑन दैट पार्ट. तो आपको सुबह जब भी अगर शेड्यूल वगैरह होते हैं तो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि सुबह जल्दी पहुंचना है? नो, सो बेसिकली जब हमारा शूट होता है नेक्स्ट डे तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि यार शूट है नेक्स्ट डे, तो उसी के चक्कर में नींद ही नहीं आती है. बिकॉज सुबह जल्दी उठना, अलार्म से पहले तो मेरी खुद की आंखें खुल जाती है, हाँ ठीक है मैं खुद ही उठ जाई हूँ, यू नो. सो वो रहता है. ओके, व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट फूड? लीस्ट फेवरेट फूड घिया. घिया, ओके. आई थिंक बॉम्बे के लैंग्वेज में उसको तोरी बोलते हैं. हाँ, दूधिया समथिंग लाइक दैट. वो मुझे पसंद नहीं. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. बट इट्स ऑफ कोर्स इट्स वेरी हेल्दी. तो कभी ऐसे जंक फूड खा लिया तो ऐसा घिया डाइटिंग कर सकते हो आप. ओके, घिया पे डाइटिंग भी होती है. हाँ. अच्छा, इफ यू हैड टू बाय समथिंग फॉर अ गाय, व्हाट वुड यू बाय? मे बी बैम्बू प्लांट्स और मे बी मनी प्लांट, बिकॉज आई थिंक प्लांट्स ऐसी चीज़ है जिसको देख के हमें यू नो पॉजिटिविटी आती है. ये सारी आईफोन्स वॉच ये सब पुरानी हो ही जाती है, बट प्लांट्स इज वन थिंग जिसके हम खुद केयर करते हैं, हम पसंद करते हैं उन. तो आई थिंक आई विल गिफ्ट माई फ्रेंड और अ गाय, यू नो आई थिंक प्लांट्स. व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट हैज हैपेंड विद यू ऑन अ शूट? Okay, so this is very funny and don't laugh. Okay, so you are laughing. I am laughing, but no one else is allowed. Okay. So when I was a 5-year-old, मैं स्टार गोल्ड के लिए एक शो कर रही थी. मेरा फर्स्ट शो था चाइल्ड आर्टिस्ट. सो अब बचपन में यार ऐसा होता है ना, ऐसे मतलब सबके सामने शर्म आ रही होती है. मैं रात के 1 बजे शूट कर रही हूँ, ठीक है. शूट करते करते आई वॉज लाइक एंड माई मॉम इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड एवरी वन शूटिंग. ऐसा मतलब कैमरा वाला ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे एंगल्स ले रहे हैं मेरे डांस मूवमेंट्स के, बचपन के जैसे होते हैं. और मैं ना ऐसे बीच में से खड़ी हो गई. सो माई मॉम इज लाइक समथिंग इज देयर, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसके साथ. शी इज नॉट यू नो एबल टू परफॉर्म दैट मच, या यू नो ऐसे हिल रही है, क्या हो रहा है. एंड देन मैंने ना ऐसे सूसू कर दिया बीच में शूट के. तो बढ़िया, आई वाज स्केट. तो आई वाज लाइक अरे अरे बच्ची है चलो माफ कर दो. सो या दैट इज लाइक एम्बैरेसिंग आल्सो, बट आप सोच के ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन तब नहीं हो रही होगी मेरे, तब नहीं हो रही होगी. बट अभी भी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हाँ वो मेरी लाइफ का सबसे फनी पार्ट भी था. करेक्ट. हु इज योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर एंड व्हाई? शिनचैन. ओके, एंड व्हाई? शिनचैन व्हाई इज लाइक जैसे स्कूल के बाद में सबसे पहले शिनचैन आके देखती, तो आई कैन रिलेट हिम एंड हिज मदर विद माय मदर. ओके, तो जैसे शिनचैन की मॉम बोलती शिनचैन जाके खाना खा लो ये कर लो, तो माय मॉम आल्सो यूज्ड टू से जाके ये कर लो जाके वो कर लो. और मैं तो ऐसे मॉम के नो मॉम ऐसा करके शिनचैन की एक्टिंग भी करती थी. सो आई रियली लव शिनचैन. योर मॉम इज वेरी एनर्जेटिक आई बिलीव, जैसे आप बता रहे हो. या या या, लाइक इमेजिन ना, मुझे आज भी याद है कि मॉम मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, मुझे स्कूल भेजती थी, फिर स्कूल के बाद वो खुद जॉब करने जाती थी. मेरी मॉम LIC भी करती थी, तो LIC के लिए मॉम जाती थी, वहाँ से आती थी, मुझे स्कूल से पिक करती थी, घर पे खाना बना के मुझे ऑडिशंस पे लेके जाती थी. ऑडिशंस पे लेके आने के बाद वो खुद ट्यूशन भी सिखाती थी. मैंने सब कुछ किया है मेरी मॉम ने, जस्ट टू गिव मी अ हेल्पी यू नो हैप्पी लाइफ. सो व्हाट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन? माई फोन ऑफकोर्स. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम योर फोन व्हाट डू यू कैरी इन योर बैग? I carry all the makeup stuff. So maybe lipstick. Lipstick is one thing जो phone के बाद मुझे बहुत addiction है. Lipstick नहीं, but yeah, gloss is one thing. It's about dry हो जाता है, फटफट निकाला और कर दिया. Okay. What is that one thing that you're most afraid of? Afraid of? Maybe lizards. तो afraid इसलिए because वो मुझे ना देखती है उसको, मुझे actually phobia है उससे. Okay. अगर मुझे कहीं पे भी दिख जाए ना, आई स्टार्ट स्क्रीमिंग आउट लाउड. या तो उस घर में या उस जगह पे सिर्फ मैं होंगी या फिर वो होगी. तो मतलब ऐसा मुझे फोबिया है. आई थिंक दैट इज द यू नो मोस्ट स्केरियस्ट थिंग विद एवरी गर्ल आई गेस. आप मुझे कॉकरोचेस डर नहीं लगता. मैंने बचपन में ऐसे स्नेक को वैसे हाय व्हाट्स अप भी किया है. ओह इज इट? या या. ओके, व्हिच सेलिब्रिटी अननॉयज यू द मोस्ट? सो आई थिंक अभी तो अनन्या पांडे काफ़ी ट्रोल हो रही है. शी डोंट अनोइज मी, बट मुझे पता नहीं. सो ऐसा कुछ है नहीं कोई अनोय करता है, बट ऑफकोर्स वो स्टार्स किड है. तो आई थिंक अभी स्टार किड से ज़्यादा जो मुझे लगता है जो एक्टर्स अपने आप में निकल के आ रहे हैं, लाइक भूमि, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड
I like Vicky Kaushal also, Ayushman Khurana also. So they are not the star kids. And इन्होंने अपना खुद को बनाया है, so I really appreciate their, you know, hard work. And not that ऐसे कुछ नहीं यार, सब अपनी जगह सब अच्छे हैं.